आज के रसूल मोहतशम पीरे तरीकत रहबरे शरीयत तर्जमाने मसलक आला हजरत फातिले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब रिज़वी दामत बरकातुहुमुल उसिया उन्होंने वास्ते दुआए सेहत सारे हजरात करो कि मौला करीम बेजाहे नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहिस्सलाम इस माहे नूर और माहे मुबारक दियाँ बरकतां दा सदका मौला करीम उन्होंने सेहत कामिला आजला अता फरमान और अहले सुन्नत वल जमात उत्ते उन्हां दा साया कायम दायम रहे। अलहम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अज़ीमिर रिजाल अमीमिल जूद वल अता माह ज़ुनूबे वल ख़ताए माह ज़ुनूबे वल माह ज़ुनूब वल ख़ताए अल्लज़ी काना नबियन व आदम बैन अत्तीन वल सुहाबी वाजवाजी वाओलादी वालमाए उम्मती वसुलाए मिल्लती
اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ قال الله تبارك وتعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ مولا صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضعنه في علم ولا كرم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا بارئ النسم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق مالي من اعوذ به يا اكرم الخلق مالي من اعوذ به يا اكرم يا اكرم الخلق مالي من اعوذ به سواك عند حلول الحادث الامام۔ مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک سب بابا سے بلا الصلاۃ والسلام اللہ و علی کا وسلم نے کہا سو دیا۔ دل میں
किसी को यार बसाया न जाएगा दिल में किसी को और बसाया न जाएगा दिल में किसी को और बसाया न जाएगा जिक्र नबी को दिल से बुलाया न जाएगा जिक्र नबी को दिल से बुलाया वो खुद ही जान लेंगे जचाया ना जाएगा वो खुद ही जान लेंगे जचाया ना जाएगा हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा हमको जजा मिलेगी हमको जजा मिलेगी इश्क़े रसूल की हमको जजा मिलेगी इश्क़े हबीब की दोज़ख के आस पास बिलाया न जाएगा दोज़ख के आस पास भी दोज़ख के आस पास बिलाया न जाएगा हमको जजा मिले मोहम्मद इश्क की हमको जजा मिलेगी मोहम्मद के इश्क की क्या दोज़ख के आस पास भी लाया न जाएगा दोज़ख के आस पास भी लाया कहते थे ये बिलाल तशद्दुद में कुफर के कहते थे ये बिलाल तशद्दुद में कुफर के इश्क़ नबी को दिल से बुलाया न जाएगा इश्क़ नबी को दिल से बुलाया हम दीवारी दादा
और नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अज दे इस अजीम शान फकीद उल मिसाल ईमानी रूहानी और विद्वानी प्रोग्राम इंतकाद ते गुलामान मुस्तफा सही अकीदा सुन्नी नौजवानों ते बुजुर्गों और मुंतज़िमीन नू देती अथा गहराइयां विचों मुबारक पेश करा। और जितने भी हजरात दूर दराज तो चल के अज दे इस अजीम शान प्रोग्राम की जीनत बने वो किसी दुनिया के तमे ते लालच वास्ते नहीं आए, वो फकत अपने आका की सना सुन आए। दुआ है कि मौला करीम उन्होंने एक एक उठने वाले कदम अल्लाह उन अजरे अजीम का फरमान और ताहयाती अफाक व बदियात को अल्लाह ताला महफूज रखा। मेरा इलाका भी ये और असर मेरा पेट मिर्जापुर है और इसे मैं इलाके का जम पाला और इबादतां दियां दुआवां शेख की तरीकत या नगावा का सदका है कि मैं इस पसमांदा इलाके विच उठ के तो अल्लाह करीम ने मैनू अपने मसलक की खिदमत की तौफीक अता फरमाई। और उलमाए किराम ज़बर इहतराम मैं उन्होंने भी शुक्रगुजार हाँ कि वह भी आज इस अजीम शान प्रोग्राम के अंदर शरीक होए ने। यह सारी खुशबख्ती और सारी खुश नसीबी है और मैं ये तहदीसे नियमत के तौर पर अर्थ करना ऐ सुन्नत दिन ते रात अपने खालक ते मालक का शुक्र अदा करया करो कि तुहानू रब ने सच्चा और सुच्चा और पक्का अकीदा अता किया है जिदी बुनियाद या अल्लाह का कुरान है या मदीने वाले का फरमान है। मैं तकरीबन 3 साल गुजरांवाला जामिया इस्लामिया आबादी हाकमरा पुराना गैर मुकद्दद वाकिया का पुराना मदरसा है, मैं 3 साल उदे च पढ़िया और इतने मैं मौलवी मोहम्मद नजीर साहब को भी पढ़ता रहा और इन्होंने मेरे कभी कभी सवाल जवाब हो जाते सन और 3 साल उत्थे पढ़िया। लेकिन मैनू कुछ बात दिया दुआवां का सदका सी ये अल्लाह का कुरान मेरे सामने में 3 साल एक दिन बाद किसे मेरा रिकॉर्ड है मैं अपनी पढ़ता रहा और बगैर नीतों को इमाम पीछे खुल उस्ताद के साथ पढ़नी अपनी ये जिन्हों अल्लाह महफूज रखे सब कह दो सुभान अल्लाह। मैं इतने पहुंचा खाना खा के मैं फारिग होया तो दोस्त मैंने आख्या जी अज तुहाडा मौजू है इख्तियारा ते मुस्तफा इख्तियारा ते मुस्तफा क्योंकि कई बीमारियां ने ना जिस तरह इंसान के जिस्म कई किस्म दियां मर्ज़ां बीमारियां होंदियां ने उहदे इलाज मुख्तलिफ होते ने अदवियात मुख्तलिफ होदियां ने लेकिन याद रखो जिस्म की बीमारी लग जाए उहदा इन्ना खतरा नहीं जिन्ना रूह की बीमारी का खतरा है। जान अज भी जानी है ते कल भी बोलो जान अज भी जानी है ते कल भी ये जानी जानी है ये रहती नहीं ते ना रहनी ये ओदी अमानत उस लै जानी है। पर एक दुआ करो अल्लाह किसे बदबख्त
गुस्ताख बेदीन दे तोने विच करके ना मारे अल्लाह मोहम्मद दे गुलाम दा विच गुस्ताखा विचों नकते होके जाइए सुन्नी रहिए ते सुन्नी बरिए। तो इस वास्ते मैं कुरान हकीम दियां चंद सत्रह की तिलावत की है। कोशिश करांगा कि मैं कुछ हुजूर का मिलाद बयान कर दिया और कुछ इख्तियारात बयान कर दिया, कुछ हुजूर का मिलाद बयान कर दिया। अल्लाह बयान कर रहे सन बड़े हुसीन अंदाज के नाल ते मेरे ख्याल भी उसे घरों पढ़ के आए जिथों मैं पढ़ के आया। हाँ क्योंकि इन्होंने जी बोली वो है कि मेरी तो माशाला पुरानी है ना मा प्यो वाली ये भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजूल के नाल ने पकता सदका इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सारा। अल्लाह खालिक है सारी कायनात का मालिक है। मेरा बूर बंद है तुम वास सुना तो तुसा जरा बूर बना के बहना है तो हुजूर का जिक्र खैर हो जाएगा। अल्लाह सारी कायनात का खालिक है सारी कायनात का मालिक है। आज उस महबूब का जश्न मिलाद मना रहे हैं जिस महबूब के सदके खुदा ने सारी कायनात बनाई। उस महबूब का मिलाद जश्न मिलाद मना रहे हैं जिसने अल्लाह ने फकत नबी ही नहीं बनाया बल्कि नबियां का भी इमाम और मुक्तदा बनाया। फकत रसूल ही नहीं बनाया बल्कि रसूला का भी इमाम के नबी बनाया। इस समझो कि बाकी पैगंबर कौमां दे पैगंबर बन के आए मेरा मुहम्मद नबियां का भी नबी बन के आया। इज्जत थोड़ी नहीं बरादरी अंदर इलाके अंदर सियासी प्लेटफार्म पे अगर किसी बंदे का चना हो जाए अल्लाह की कसम सारी बरादरी सारी पार्टी उन इज्जत दे निगाह ना देखती ने साडा सदर है साडा नायब सदर है साडा एमएनए एमपीए चलिया जिदा इंतखाब असी कर रहे हैं वो जिते 200 कमियां हो सकदियां ने ते जिदा इंतखाब खुदा जिदा चुनाव रब दी जात करे। और हजरत अल्लामा मौला कारी आब साहब बड़े बड़े मेरे प्यार वाले ने अल्लाह ने सलामत रखे और इस रबता किया कि जनाब तुसा जरूर इतने आना है बाकी दोस्तों की भी खास तो अल्लाह करीम जल्ला मजदू ने चनाओ किया जैसे मेरे तो पहला अल्लामा मौसूफ ने कुरान हकीम की आयत पढ़ी जरा मैं दोबारा पढ़ दिया जरा कह दो सुभान अल्लाह। खाले कायनात ने फरमाया कि वला खजल्लाहु मिसाकन नबीन लमा आतई तो कुमिल किताब वा हिकमतन सुम्मा जा तुम रसूल मुसद्दिकुल मा माकुम लतुमिनु नबी कुरान हकीम का तीसरा पारा थोड़ा जा जरा तवज्जो ना बैठना वे इस अखजल्ला हमेशा कर नबी साजे पाकिस्तान का नहीं थी मुल्ला भाभी आता नबी नू 40 साल तो पहला पता ही नहीं सी के नबी है। मैं कह चंगी गल नहीं के रबवे ते नबी दा कलमा पढ़ ले रबवे जा के कलमा पढ़ ले ओ ना चेहरा जा साडा ईमान है जब कायनात च कुछ नहीं सी तेरा महबूब ओ तो सी कमली वाला ओ तो सी। अज आंदे ने हुजूर दा मिलाद दा जलसा करते हो बड़े खर्च कर दियो मैं कह दुआनी दा तेरा मलवाना होवे ओदे वास्ते कद आवर इश्तिहार छाया करो बैनर लिखो बड़े बड़े कतबे लगाओ 35-35 लगा बात दियो ओदो फजूल खर्ची दा ख्याल नहीं जे होंदा नाले 10,000 रुपया मौलवी दी जेब च पाओ ते ओदो नहीं ख्याल होंदा
जो मुस्तफा के मिलाद की बारिया में फिर तवज्जो फरमाओ सब तो पहला जलसा मुस्तफा की अजमत का किन्ने कीता जिन्हें पैदा किया किस कीता जिन्हें भाई रब नु लोड़ का जी भाई जलसा करन दी खालक सारे नबियो दी मखलू सब रसूलो दी मखलू अल्लाह नु पता सी मेरे यार ने जाना है कई किस्म पैदा होनिया ने कई किस्म के लोग जमने ने कई ने आखना है नबी साडे वर्गा है कई आखना नबी खांदा ते पींदा सी इन अहमका नु की पता मैं करो ही टोरा ते यार के सिर ते पग रख के अजमत का सेरा यार नु पहना के कदा अजमत की पगड़ी मुस्तफा नु पहना के पंदा कि आलम अरबा के अंदर पहला जलसा पहली नूरानी कॉन्फ्रेंस अल्लाह ने की थी जिदे विच सवाल नबियां ते रसूलां दी रूहां च होर शायरी कोई नहीं जदों अल्लाह ने नबियां कोलो वादा लिया आए हाय नबियां कोलो तेरे बोलो नबियां कोलो की आखिया हुण तुसी रूहां फिर मैं तुहानू कालबा विच खड़ांगा डालांगा ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਕਲਮਾ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਨ ਸ਼ੋਹਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਹਬੂਬ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਭਈ ਯਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਆ तो केड़ा नबी ते रसूल है जिदे वाले इशारा करना पिया कि जे आ गया तो पता चले आलम अरबा के अंदर भी रब ने यार रखना बिठाया सी ताकि नबियां नु पुछण दी लोड़ ना पवे इशारा करके दसा सुभान अल्लाह पुछण दी लोड़ ही ना पवे वखरा बिठा दित्ता ताकि पता लगे पशैन शाह हो बैठा है शैन शाह फरमाया जब मेरा महबूब आ जाए तो या अल्लाह फिर आ जाएगा ते आउना सू ते साडे वास्ते आर्डर की है साडे वास्ते फरमाया तुहाडे वास्ते दो आर्डर ने तुहाडे वास्ते या अल्लाह केड़ा केड़ा एक मेरे नबी दा कलमा पढ़ना दूजा मेरे मुस्तफा दा मिला एक मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़ना दूजा मेरे मुस्तफा दा बोलो ना मेरे मुस्तफा दा मिलाद मनाना मेरे मुस्तफा दा आखो का हजरत कलमा पढ़ता ते है ते मिलाद दा किथों गल लिया जे मैं कह अन्ने अज कुरान पढ़े ते पता लगी ना जे कुरान खालिक कायनात ने फरमाया अल्लाह तो मेनू लब ही वाला तन सोरुल्ला ए नबी ओज दे दौर विच मेरा महबूब आ जे बद्दो हादे चेहरे वाला अलम नशरा दे सीने वाला ताहा दी शान वाला जे सब तो पहला काम मेरे मुहम्मद दा कलमा पढ़ो जे अपना कलमा पढ़ाना बंद कर दियो जे अपनी नबूवत दा ऐलान करना बंद कर दियो जे तुसी भी मेरे नबी दा कलमा पढ़ना फिर वाला तन सोरुल्ला फिर गलियां ते बाजारां ते फैल जाए जे बस्तियां चल लगे जायो जे डेरिया ते चल के जायो जे शहरा च चल के जायो जे आखियो जे लोगो अगे कलमा मेरा पढ़दे सानू मेरा भी नबी आ गया जे सुभान अल्लाह एहो ही मेरा दे हुजूर दा सुभान अल्लाह एहो सरकार दा किस सुन्नी भी ते आंदे फिर रो भैड़े होए आ जा ओए ए पूरा रब्बुल अव्वल साडा भी ऐलान है की फरमाया नबियो एक ईमान लियाना दूजा मेरे यार दा मिलाद मनाना तो मिलाद है कि जिक्र मुस्तफा करना बोलो जिक्र बोलो जिक्र जरदारी ने कौमी असेंबली की सारी कबीना तोड़ दी तो कई वजीरां के मुंह अद्धे अद्धे रह गए मुंह हाल है कुर्सी ऐसी है अज नहीं तो कल छुड़ जानी सी कुर्सी छड़नी काम बड़ा औखा है ते जिन्नू कुर्सी रब दित्ती होवे जिन्नू कुर्सी ते अल्लाह ने आख्या मेरे नबियो कुर्सी अपनी छड़ के उते मेरे यार नू बिठायो जे काम बड़ा औखा है हर पासे शोरा तुहाडा कलमा तुहाडा हुकूमत तुहाडी सल्तनत तुहाडी जिक्र तुहाडा ना तुहाडा ते जे मेरा यार आ जाए ते काम सारे ठप करके मेरे यार दे पिछे लग जाए
काम बड़ा औखा जो बोलो काम बड़ा एक नारा मारो हाँ काम बड़ा खागे कायनात ने फरमाया के काला करार तुम वा खाग तुम आला जालिकुम इसरी ए मेरे नबियो ए बहुत बड़ा जे बड़ा औखा काम जे पर दसो हवादा कर दियो ए मेरे नाल के जदो मेरा महबूब आ जाएगा कलमा सारे पढ़ो जे खुदा दी कसम एक लख ते कई हजार अंबिया दियां पाकीदा रुआ ने जदो अल्लाह कोलो सुनिया सारे ने आखे कालू अकरार ना सुभान अल्लाह या अल्लाह वादा करनिया या अल्लाह सी इंतजार करांगे देखांगे कदों आउंदा जदों आवेगा कलमा पढ़ लवांगे जदों आवेगा कलमा पढ़ लवांगे जदों वादा लिखा जावे विच कोई गवाह पाया जांदा वे एक अद्धा गवाह पाया जांदा हालांकि आलम ने फरमाया है नबियो अज मैं होर किनू गवाह बनाना वे ए मामला मेरे यार दा है ए मामला मेरे महबूब दा वे ए नबियो मैं दसना पिया काल फशहदु व आला माकू यार दीवारी मैं भी गवाह बन गया ये महबूब का मामला ना मैं भी गवाह बन तुहाडे नाल मैं भी बोलो तुहाडे नाल मैं भी अज आखो ना नबी दा सदका के नंबर वन अठ अठ दिन नहीं बल्कि डेढ़ डेढ़ महीना तो आप लेंदा ही नहीं कलमा किसे ना पढ़िया जे वादा तोड़ दिता मैं नबूवत भी खो दवांगा मैं रिसालत भी दिलावांगा ए नबूवत ते रिसालत ते मुहम्मद दा सदका यार सुन ऐसे बातें सुनिया जब भी मांगो तो वसीये से नबी के मांगो जब भी मांगो तो वसीये से नबी के अरे जब सब कह दो जब भी मांगो तो वसीले से नबी के मांगो जब भी मांगो तो वसीले से नबी के मांगो इस तवसल से कर्म और ज्यादा हो जब भी मांगो तो पता चल गया रब ने फरमाया नबूवत सरकार का सदका सब कह दो सुभान अल्लाह रिसालत का सरकार का सदका आके या अल्लाह वादा कर रब जदो महबूब आ जाएगा फिर सारे नबी आते आए सारे नबी आते रे महबूब होण वाला जे बोलो महबूब उचे बोलो महबूब मैं जा तू कहना नबी दा जिगर छाडो मिलाद की मैं एक लख ते 24000 जा कमो बेश नबी आए हजरत आदम अलैहि सलाम तो लेके नबी आए सारे नबी आते आए महबूब होण वाला जे हाय 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 बोलो महबूब मुबारक तेरी
अंबिया दे या रसूल अल्लाह मुबारक तेरी अंबिया दे आए मुबारक तेरी अंबिया दे आए अरे मुबारक तेरी अंबिया दे आए हुआ हर समान में चर्चा तुम्हारा कोई दौर नहीं गुजर जब मेरे मुस्तफा का जिक्र ना होता हर नबी आते हुजूर आ रहे थे हुजूर उच्च बोलो हुजूर आ गए ये तुझे लगता है मैं क्या शानू पे सब कुछ लगता है अगर शानू तो नहीं कुछ लगता मैं अंदर साफ हो तो लगे ना एक बंदा किसे पेटो गदागरी करके आया ना आटा दाना मंगिया शरी रोटी तो छिड़ने आख्या बेवकूफा मैं तेन वेखा मैं तेन वेखा दूसरी वेखा पता लगा तेरे अंदर अल्लाह ने फरमाया नबिया के दुश्मन बनाए ने जिन्ना बिचों भी निशाना बिचों भी बोलो जिन्ना बिचों भी उच्च बोलो जिन्ना बिचों भी असा जिन्ना बिचों भी बनाए हाल के कायनात ने फरमाया कज़ालिका जअलनाकुम लिकुल नबीयिन अदुव शयातीन अल जिन्न वाल इंस यूही बादहुम इला बादिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौल ग़ुरूरा हर नबी दे दौर अंदर जिन भी नबी दे दुश्मन आए हर पैगंबर दे दौर इंसान भी नबी दे दुश्मन आए पता लगा जिन दुश्मन भी मार गए इंसान दुश्मन भी मार गए पर नबियां दा चर्चा होता रिया वे मुसलमानों ए ओ नबी ने जिदा सारे नबी जिक्र कर दिए ने इस बात आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दद मिल्लत मौलाना शाह सरदार खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह तआला आ फरमाते ने जल जल के मार मिटेंगे ये सबहासिदीन गए चल चल के मर मिटेंगे ये सबहासिदीन गए एक गोल भी इस चमन से गिराया न जाएगा कब दो सारे नबियां आख्या हुजूर ख्याल ना सुनना सारे नबियां आख्या हुजूर आ रहे बोलो हुजूर एक नबी ने होर पूछा उसन खदीलुल्ला जद्दुल अंबिया उन्हें बनाया रब दा घर रब दा बैतुल्ला बन गया ते आख्या या अल्लाह कोठा तेरा सब बना दिता है ते लिया कुछ आजे पल्ले मजदूरी पा साढ़े पल्ले को मजदूरी पा हक बनता है आख्या मांग की मंगना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मजदूरी मंगी कह रब्बाना वापस फी रसूला या ना नबिया तेरे यार या बे यार अब मैं चोली चोक के आना छेती कल दे या ना
मेरी दुआ बाकी नबियां तो लैदा खंदा की आलम ने फरमाया ए इब्राहिम बाकी नबियां तेरे ने आ रिया वे तू आज आख्या या अल्लाह छेती गल मैं इहदे सिले विच तैनू एक नाम देन लगा ताकि लोगों नू पता लग जाए कि नबी दाऊद की खुशी के नाम किन्ना कुए या अल्लाह मैनू इनाम की देवेगा फरमाया तू आख्या रब्बाना बाबा सफी है रसूला या अल्लाह रसूल बना काबा बनाया मैं वे इहनू निशान वाला बना दे या अल्लाह तू मैनू इहदा इहदा की सिला देगा फरमाया क्यामत तक जिथे मेरे मुहम्मद उत्ते दुरूद पढ़िया जाएगा मुहम्मद याद का दुरूद पढ़िया जाएगा उत्ते तेरे ते भी तेरी याद का भी पढ़िया जाएगा तवज्जो फरमा रब्बाना वस्फी है रसूलुल्लाह बाकी नबियां क्या हुजूर आ रहे हैं बोलो किया क्या हुजूर एक तक हुजूर इब्राहिम अलैहि सलाम ने क्या या अल्लाह छेती कर या अल्लाह छेती गल मैं पूछा एक मलवाने नू मैं कहा मौलवी जी जे दुआ विच ना पढ़ जाए कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आल मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम वाला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद ऐ खलील तू आखिया कल तेरी दुआ अंदाज अनोख है ते जा क्यामत तक जिथे मुस्तफा ते दुरूद उथे तेरे ते भी जिथे यार की आग ते दुरूद उथे तेरी आग ते भी दुरूद क्यों तोहफा मिलया के नहीं बोल तोहफा मिलया के नहीं ते ना हमार दुरूद ते जे तेरी नमाज कंध टप जे ते मेरा ना बदल छड़े जे तेरी नमाज कंध टप जावे जे हजूर दा ख्याल नमाज विच आ जाए ना ते कुछ नहीं रहता नमाज दा मैं कह तेरी कि मैं पाक दी है कि कारवाली दा ख्याल आ गया बीवी दा ख्याल दा टुकुर पुगा के दे दिया बीवी दा ख्याल आवे नमाज बिल्कुल ठीक टके दा ख्याल आवे ते नमाज बिल्कुल मैं कह ते रसीद ते लादा पैली झोके दा ख्याल आवे ते नमाज वाह तेरे बदन तो कुर्बान तेरे कीदे तो कुर्बान जावा ए जया हुजूर नबी मन जाई कि हाल ते नमाज अंदर मुस्तफा दा ख्याल आ जावे ते नमाज टूट जावे बीवी दा ख्याल आवे कदे दा ख्याल आवे पैर दा ख्याल आवे जाओ सिरत मुस्तकीम इसमें देख भाभी दी उठा के देखो भाभियां दा इमाम रखदा पिया कि नमाज विच ते मुस्तफा दा ख्याल आवे नमाज टूट जाती है सुन्नी आदन पक दी ता विच याद दा पक दी ता जब मुस्तफा दा तसव्वुर आवे बोलो मुस्तफा दा तसव्वुर बोलो मुस्तफा दा तसव्वुर मैं कह मैं नमाज दा लाल को भाभी मैं नबी दे तसव्वुर तो नमाज दी मैं नी तरह के बना अल्लाह दी कसम नहीं रखी जाती मैं कह वेख्या मौली साहब खलोते लत्ता को 2.5 फुट चौड़ियां ऐठे हाथ मैं कह मौली ऐठे बंदे की हुजूर दी सुन्नत मैं कह ख्याल आ गई हुजूर ख्याल आए कि नहीं हाथ बनाए थे मैं कहा भाई थे क्या दूर नहीं थे मैं कहा मैं नमाज की नींद रख के दस मुस्तफा दे तसव्वुर तो है जब तक मुस्तफा का तसव्वुर ना हो क्योंकि हुजूर सदु कमा राय तो मुंह नहीं सदी फरमाया मेरे गुलामों नमाज पढ़ो जब मोहम्मद का ख्याल रख के पढ़ो मुस्तफा का तसव्वुर रख के पढ़ो आका को देख के पढ़ो सुन्नी के जब नमाज पढ़ता यहां तक तसव्वुर वाह भाई वाह सोना कीता एक बार भी आखियो भाभियो तुम मुबारक हो जन्नत विच तुसां जाना है मैं कह मीनारे पाकिस्तान तक ग्राउंड सारे कब्र कोल नहीं पड़या जन्नत किथे जाना है जन्नत दे जमीना समाना तो चौड़ी बोलो जमीना समाना तो अर्श समावात वदात एदा ते तूल अर्श
ਜ਼ਮੀਨਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟੋ ਪਾਰਕ ਦਾ ਗਨੌਰ ਦਾ ਝੱਲੋ ਭਰੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਜੰਨਤ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦੇ ਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬ ਅਨਾਰਾ ਬਾਰ ਸੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਜਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ फरमाया कौन की हयात है उल्फत रसूल की सबक कौन की हयात है कौन की हयात है कौन की हयात है उल्फत रसूल की अब जन्नत में देख जाएगी निस्बत हमें जन्नत में दे ओ सुनियो जो मेरा दिल खुले जिस सरकार का जिक्र कर लूं उससे सारी खत्म हो जाएगी ना उससे सारी क्योंकि पार के जल से होवेगा ना उन्हें पता क्या रब वहाब ते नबी वहाबी रब वहाब ते नबी वहाबी ते सब असहाब वहाबी रब वहाब ते नबी वहाबी ते सब असहाब वहाबी ते जे असा ना वहाबी रखाया ते फिर क्यों पई खराबी मैं कुर्बान जावा हैं असी आने कौन की हयात है कौन की हयात है कौन की हयात है उल्फत रसूल की अरे कौन की हयात है अरे कौन की हयात है अरे कौन की हयात है उल्फत रसूल की हमें जन्नत में देख जाएगी निस्बत रसूल की हमें जन्नत में देख जाएगी निस्बत रसूल जिस रात हुजूर आए जिस रात हजरत हसन इब्न साबित नबी दे सहाबी नात गोश आए हुजूर दे सहाबी नात को 60 साल कितने साल तुसी बोलो हां कितने साल 60 साल जिन्ना गुमराही च गुजारे और 60 साल मेरे मुस्तफा दी गुलामी च गुजारे तवील उमर हजरत हसन बिन साबित 60 साल गुमराही च गुजारे और 60 साल मुस्तफा के कदमों में गुजारे तो हजरत हसन फरमाते मेरी उम्र 8 साल थी हाफजा बड़ा तेज थी मैं जो सुन लेता सा भूलदा नहीं सा जो देख लेता सा कभी मेरी नजर तो ओझल नहीं सी होता फरमाते मेरी उम्र 8 साल थी मैं देखिए एक यहूदी पहाड़ी की चोटी पे चढ़ गया एक यहूदी पहाड़ी थी पहाड़ी थी जाके कहता ते जाल यहूद फजता में ऊ इलाई
जिथे जिथे भी बैठे हो वो सारे मेरे को ला जो नवी खबर सुन लो। इनकी आवाज बुलंद करके कहता यार शराल यहूद फजता में हुई नहीं है ओ यहूदियो आ जाओ। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं मैं देखा कि तारा दिया कि तारा मर्द भी आ रहे हैं औरतें आ रही हैं बुढ़े आ रहे जवान आ रहे हैं यहूदी आ गए। उन्हें आख्या किया कह लगा के ताला आ समझो ताला नजमो अहमदा अल्लाजी बोलेदा फी हाद हिलाई लादे उदिया किया ओ मुहम्मद सितारा अहमद सितारा जिदा तौरात में जिक्र पढ़िया अंजील में जिक्र पढ़िया ओ मुहम्मद सितारा चमक पिया देखो हम मुनकरा को रब इलान प्या करा दे शेर ना कर दिया सब कह दो सुभान अल्लाह। वो हबीब खुदा सरवरे अंबिया वो हबीब खुदा सरवरे अंबिया सब क्या जो वो हबीब खुदा सरवरे अंबिया वो हबीब खुदा सरवरे अंबिया जिसका सदिया तुसी इंतजार वो हबीब खुदा सरवरे अंबिया वो हबीब सरवरे अंबिया वो हबीब सरवरे अंबिया वो हबीब खुदा सरवरे अंबिया जिसका सदिया तो इंतजार आ गया सुखे है चमन च बहार आ गई रोंदे हुए दिलाल नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत सरकार की आमद मंठार की आमद मक्की की आमद नारा रिसालत सारे पढ़ो वो हबीब खुदा सरवरे अंबिया 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 जिसका सदिया तुसी इंतजार आ गया जिसका सदिया तुसी इंतजार आ गया सुखे होए चमन विच बहार आ गई सुखे होए चमन विच बहार आ गई रोंदे होए दिलाल जिस दी कादर फर्श नो बछाया गया जिस दी कादर फर्श नो बछाया गया जिस दी कादर जिस दी खातर फर्श नु बिछाया गया लौला हुलमा खलकुल फलाका लौला हुलमा अफलकुल फलाका जिस दी खातर फर्श नु बिछाया ए दरबार के यार पर सरकार दा जिक्र हुजूर दा जिक्र
पर ईमान ना मेरा अकीदा है कि साडी इस मर्क दी जामे विच प्रोग्राम नहीं इहदी रिकॉर्डिंग बुद्धी ने पाक हो रही है इहदी रिकॉर्डिंग बुद्धी ने पाक यह सब उठे जा रहा है और हजूर पहचानते ने केड़ा केड़ा बैठा है हदीस अर्ज कर दिया सही मुस्लिम शरीफ सही सहाबी हदीस नबी पाक अलैहि सलाम ने इन्नी लआरिफु हाजलम बिमक्का इन्नी लआरिफु हाजलम बिमक्का तका जो सल्लमु अलैह नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया मक्के में एक पहाड़ एक पत्थर है मैं उन्हें पहचानना वा सोनिया इत हजारा पत्थर नहीं इत लखा पत्थर ने वो केड़ा खुश नसीब पत्थर है जिन्हों नबी आके मैं पहचानना वा हजूर अल्लाह सलाम ने फरमाया ओ पत्थर का ला जो सल्लम अलैया चाना जरा पत्थर मेरे ते सलाम पढ़ता होता पत्थर मेरे ते सलाम सोनिया कदों फरमाया जे मैं नबुव्वत दा ऐलान भी नहीं सी कीता उदों पढ़ता होता सी और पता चलिया मेरा नबी एडा करीम है अगर पत्थर सलाम पढ़े मेरा नबी उनू जानता वे जिदे आवाज को नहीं ते वंडो च होण वाले सुनियो नबी ते दरूद पढ़ो सरकार क्यों सरकार क्यों नहीं सुनती मनो ते सही ना बोलो मनो ते जे मनो ना जिसकी खातर फर्श नो बिछाया गया जिसकी खातर अर्श नो सजाया गया जिसकी खातर अर्श नो सजाया गया पता चलिया कायनात दे वाली अंबिया दे सरदार हजरत हसन फरमा दे ने आवाज दी या माशाल्लाह यहूदा सजदा में उन है ए यहूदियो मेरे वल आ जाओ कह लगा के ताला अन्नाच मुहम्मद अल्लाह जी बोले दा फी हाद हिलाला थे और जिस मुहम्मद दे ऐलान सुन दे यार सोया जी आ गए मौलविया तेरी तो मां पत्थर जम छाती हो तेन जम की खटिया पाकिस्तान निरी नौस निरी नौस मैं एक दफा घर बैठा के एक बंदा आ गया हाथ में आटे का पेड़ा फड़िया हाथ में हजरत दम कर दियो मैं की करना ही कह लगा मज सदर सुन मज माशाल्लाह हवाना भी भर है पर दूध नहीं देती मैं क्यों कल को बिस्तरे वाले लगे कल बिस्तरे वाले लगे सात मैं मज चोर लगा तो वेख के चोर चुक गई मैं फिर नहीं ना लाई ऐसा मैं चोला मैं उस लग गया लत नहीं लगती मैं त्री सफारे घोल के पिया ये मैं कैसे जिथों की लंघ दे हर शहर उजाड़ती जाती हर शहर ही उजाड़ती जाती है तो तवज्जो फरमा अम्मा ऐशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप ही फरमा दिया ने कि मैं खुद एक यहूदी नु देखिया अम्मा ऐशा सदीका मोमना दी मां कह दो सुभान अल्लाह फरमाते ने कि यहूदी मक्के विच रहिंदा सी ओ सरदारा ने कुरैश कोल गया कह लगा कुरैश अज रात तुहाडे विच कोई बच्चा ते नहीं जम्मिया कह लगे सानू कोई पता नहीं कह लगा छेती अपने घरां च चले जाओ अम्मा ऐशा सदीका फरमा दिया ने ओ सरदारे सरदारा ने कोई अपने अपने घरां च जाके पुछन लग पे अज किसे ते बच्चा ते नहीं पैदा होया सानू खबर मिली अब्दुल्ला दे पुत्र यानी अबू अब्दुल मुत्तलिब दे बेटे अब्दुल्ला जले फौत हो गए ने ओदे घर पैदा होया जिन्हू अहमद मोहम्मद भी कहते हैं मोहम्मद भी कहते हैं उन आ
के दसिया हाँ जी कह लगा मैनू जरा लै जाओ मैनू नौ मौलूद दिखाओ। मैं चाची फरमा दिया यहूदी नाल चला गया जाके दरवाजे ते खलोता हजरत खदू ने हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी पाक अलैहि सलाम नू भेज दिता उन्हां दे कहण ते जब यहूदी ने हजूर नू वेखिया जब रुखे अनवर वेखिया कह दो सुभान अल्लाह जब रुखे अनवर वेखिया जब चेहरा मुस्तफा वेखिया फिर मेरे आका दे बोलिया ते बोले नबूवत वेखी कछ खा के डिग पिया जमीन ते तड़पण लग पिया माहिए भी आप दी तड़ पिया ते तो होश आई सरदारा ने कुरैश ने पूछिया ओ यहूदिया क्यों रोना पिया कह लगा रोना सुभान अल्लाह बन इसराइल विचों नबूवत मुक गई है सारी खुदाई दा सारी खुदाई दा नबी बोलो सारी खुदाई दा नबी तुसी बोलो सारी खुदाई दा नबी फिर क्या किए अंबिया शान वाले है सारे अंबिया शान वाले है सारे हथरे कर क्या कोई अंबिया शान वाले है सारे पर मेरे आका हम सर शान वाले है सारे अंबिया शान वाले है सारे पर मेरे मुहम्मद का सारे नहीं है अंबिया शान वाले। देखो ना जिन्ने सुनी बैठे ने जैसी हुजूर का जिक्र होता चेहरे कलियों को खिले हुए तो जे बिल कोई नजदीक बैठा हो इंजी बैठा हो जब को शह मार के आए है चेहरे ते रोने की कोई नहीं बोलो चेहरे ते खालक कायनात का कुल फजल अल्लाह है वादे रहमत ही बाबे जाले का फादी जाफरा हूं अल्लाह का फजल आ जाए अल्लाह की रहमत आ जाए हजरत आदमा जलालुद्दीन सय्यूती अलहावी लिल फतावा के बयान फरमाते ने कौन अल्लामा सय्यूती जिन्हें 70 मरतबा जाग गया मुस्तफा दर 70 मरतबा बोलो कितनी मरतबा 70 मर्तबा हाल ते बेदारी एक दफा हुजूर सुफने जी वेखना बड़ा इजाज है ना 70 मर्तबा हाल ते बेदारी विच हुजूर नु वेखिया हुजूर ने क्या दा हजरत अलामा जलालुद्दीन सय्यूती हाजिर अल फतावा च फरमाते ने कुल फजल अल्लाह बाबे रहमत ही बाबे जाने का फल याफराहु हो व खैर मिम्मा यजमन आपने फरमाया खुदा की कसम अल्लाह का फजल भी मोहब्बत रब की रहमत भी जी साडा नबी ते है पर कंध पीछे दा पता ते नहीं ना वाह कौमे नबी ते है अज मैं बड़ा मुहताज तो कवास करना कल मैं अपने मुंह ते जवाबी करांगा इंशाल्लाह मैं सक ला के तक असल कर भी पाक ते जोड़या दा इंशाल्लाह ते कोई नबी ते है पे है ते साडे पर क्या ना किया दिन है ते मैं कहा मौलवी जी कित्थों कढ़िया जे साडे वर्गा जे आखे जी तुसा कुरान नहीं पढ़िया मैं कहा पढ़िया ते आखे तुहाडे वांगू नहीं पढ़िया किहे दा पढ़ाया पढ़िया किहे दा आखे जी मैं आज पढ़ दिया मैं कहा पढ़ आखे सुन लोगे मैं कहा सुनागा मैं कहा तू पढ़ ते मैं सुनागा मैं पढ़ा ते तू भी मिले जे आखे आके सुन ले कहन लगा अल्लाह ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुन मिसलुकुम सोनिया तू कह दे मैं थोड़ी मिसाल मैं कह मौलवी जी रब आप क्यों नहीं कहता रब आप क्यों नहीं कहता मैं मुहम्मद थोड़े वर्गा बनाया बे रब नु पूछिए क्या ना यार को लो कहला तू क्यों नहीं कहता फिर बाद कल्या हो कुल सोनिया तू कह दे कुल ने हाँ
मैं कह रब नहीं आखिया बोलो रब चल जी भवे नबी आखिया हजूर मिसल ते है बोलो हजूर वाह कौ मैं तेरे तो कुर्बान जावा मैं कह लिया फिर मिसल की मैं तेन ऐत पढ़ के सुना छड़ा अपने घर जाके पढ़ ली ताकि तेन थोड़ा जा सुकून आ जाए अगले जलसे ते पढ़ के सुना छड़ी सुन मेरे को ले ते सुना कुरान पाक दी सूरत नाम सदमा पर सूरत नाम सदमा उची बोलो सूरत नाम सदमा सूरत नाम सदमा कुरान की आयत तर्जमा गलत होवे तां जिम्मेदार आयत ना होवे तां जिम्मेदार पढ़ के मैं सुना ना खालिक कायनात ने फरमाया बामा मिलदा बतिन फिल अर्द वला ताएर यतीरो बेचाना हाय है इल्ला उममुल अमसाल कोमा रब फरमांदा ए जितने भी चौ पाए ने ए गायां ने ए मज्जां ने ए घोड़े ने ए गधे ने ए सूर ने ए बिल्ले ने ए जो कुछ भी आ ने ए परवाह करने वाले परिंदे उममुल अमसाल कोमा साडे तुहाडी मिसाली ने सारे ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਰਤ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜੋ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬਾਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਆ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਫਰਮਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਡੰਗਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਬੇ ਚੀਲਾ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਨਾ ਕੀ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਖੋਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੋਵੇਂ ਖੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਬੋਲ ਕੀ ਹੈ मौलवी जी बंदर ते तेरा जेड़ा भाषण बिल्कुल सेफ को जा मौलवी गाल पै देगा बोलो मौलवी उन मैं ऐप पढ़ के सुनाया जेडी मैं पढ़ के सुनाई अल्लाह की कसम आपकी मरदा मार के फकीर की गल का जवाब ना देगा फरमाए बाबा मैं दाबतिन फिल आते बलाता एरी यतीरो पे जाना है ये इल्ला ओ मामून अमसालो को इल्ला ओ मामून अखे नहीं जी एते तखलीक में किए जने रब ने पैदा की जने मैं क्या तू नबी दी मासूमत का दावा कर रहा है खुदा की कसम है मुहम्मद जोरा दी खाक ओदी ते खाक दा भी मुकाबला कोई नहीं बोलो खाक का मुकाबला कुछ बोलो खाक का मुकाबला पता लगा वो नबी ऐसा नबी है तू मिसल को कहना पिया सहाबा इकराम रिदवान अल्लाह तजमईन उठा बुखारी शरीफ मेरे नबी ने विसाल दे रोजे रखे विसाल दा रोजा नु कहंदे ने बगैर खान तो रख लेना बगैर पीन तो रख लेना बगैर खान तो इफ्तार कर लेना ना कुछ खाना ते ना कुछ मेरा नबी मुसलसल रोजे रखदा पिया सहाबा ने देखिया मुस्तफा रोजे रखदे ने सहाबा भी रोजे रखने शुरू कर दिते पर सहाबा दी समाज ते कमजोरी आ गई रंग मुतकजर हो गया सारी कायनात आता तरहरी सुना ले हुकुम दी शान वाला पुछिया ए मेरे सहाबा दिन बे दिन कमजोर होते जा अज की दी सोनिया रोजा कमजोर करदा है ते फरमाए रोजे ते आए नहीं रोजे ते रोजे नहीं के लिए मैं हर रस्म इबादत
होती है अरे दो गले मैं खाने की अरे रस्म इबादत होती है अरे दिल पर को बिठा के पेश नजर चेहरे की दीदार चौथी सदी मिसल को स्वर बुखारी की हदीस मेरे मुस्तफा ने मुखातिब करके सिद्दीक दम न मारे मेरा उमर दम न मारे मेरा उस्मान दम न मारे उड़ा रहमान मसूफ कह दे सलम बकर फिल जन्ना उमर फिल जन्ना उस्मान फिल जन्ना अली फिल जन्ना तला फिल जन्ना साद फिल जन्ना पता लग गया मिनो मेरे मोहम्मद है जिन्हां नु जन्नत दा वारिस बना दिता बोलो जन्नत दा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया यो कौम मिस्री मेरे सहाबा मैं तुहादे कोलो मुहम्मद सवाल करना तुहादे विचों केड़ा मेरी मिसल वादी कहता नबी सादी मिसल सहाबी नहीं कहता तुहादे विचों कौन है मुहम्मद दा मिसल नाल दे नबी बावलू जूते मोदी शाबा मेरा रब मेनू खलांदा भी है मेरा रब मेनू बोलो थक गए ये थक गए तो अच्छा फिर बोलते क्यों नहीं फरमाया मेरा अल्लाह मेनू खलांदा है बोलो मेरा अल्लाह मेनू मुस्तफा मकाम ते गए कई दर्जा सन हुजूर गुजरे जिथे अकल की शऊर की परवाह नहीं उन्हें आख्या नबी किमें गया नबी कई मुल्क आख्या नबी किमें गया अक ते कुरने चो निकले हवा ते कुर फरमाशी कराज हकीकत मुहब्बत दा सी मेरा ज हकी मुहब्बत दा नशी हर एक दी समझ बिच आउण वाला सदिया तालिब आते मतलूब गया जिब्राइल सी सद ले जान वाला बाज आख दे बिना दरवाजिया थी किस तरह गया वो अरशा दे जान वाला अपने तलन दखल किए जाने जान वाला एक हदीस पाक सुनो एक सिहाबी हुजूर को ला गए एक सिहाबी हुजूर को ला गए कहना हलक तो या रसूल अल्लाह है हलक तो या रसूल अल्लाह है वका तो अला इब्रति व अना शायब या रसूल अल्लाह मैं रोजा रखिया सी बोलो मैं अलाकुल तखफी इलाह इशारा या रसूल अल्लाह मैं रोजा रखिया सी मैं हाल के रोजे विच बीवी दे कुर्ब हासिल कर बैठा मेरा रोजा टूट गया मेरा रोजा कुरान पाक उठाओ जेड़ा बंदा नफसानी खाशात दे पेशे नजर रोजा तोल लवे ओदियां त्रै सलावां ने किनियां बोलो किनियां त्रै सलावां ने कुरान ने जेड़ा बंदा अपने नफसानी खाशात दा रोजा तोड़े ओ सठ रोजे रखे किन्ने रोजे सजा पैदल पैदल नागा ना सठ रोजे रखे
या सठा मस्कीनां रोटी खवा दे या गुलाम आजाद एक बंदा सी माड़ा जिनको रोजा टूट गया कुरान पर या समझा सी उन्हें सोचा अल्लाह का फैसला भी इन्हू कोई बदल इन्हू बदल तो मैं ओदे बूबे जामा जी दी रब मोर दा ही कोई बस आखिरी गल ओदे कोल जामा जी दी रब मोर दा कोई नहीं वो हुजूर का आ गया ते रोज आया ते कहन लगा कि हालक तो यार रसूल अल्लाह पाका तू अदा इब्रत दीवाना सी यार सुने रोजा टूट गया बे नबी पाक ने फरमाया 60 रोजे रख आंदा सोने एक ते निभया नहीं एक सठ कितों निभावा फरमाया सठा बंदिया रोटी खुआ छ सोने इन जगहों का घर ही खुआ के फारग हो जाता फरमाया गुलाम आजाद कर सोने इन्नी भी तौफीक रब के कानून किन्ने सन सजावं कि ने यह आते नबी इख्तियार को नहीं तो नबी पाक ने उठे बह गया उपर बह गया तो खजूर का टोकरा हजूर को आ गया ते नबी पाक ने सलातो सलाम ने फरमाया उन्हों सदो ए सवादी सवादी आ गया फरमाया आला खजूरा एक घर जाके जाके गरीबा च वंड दे ते सोनिया गरीब मेरे तो इलावा वड्डा है कौन नहीं ते फरमाया फिर घर जाके खा ले सोनिया ते खजूरा ते मैं खा लवा ते जेड़े काम पाए से फरमाया वो भी काम हो गया है वो भी काम मां हो गया बे जा मोहम्मद के दरवाजे तक बंदा खाली नहीं जा सकता ये मेरे मुस्तफा के इख्तियार आप ने फरमाया जा खजूरा भी तू ले जा ते तेरा कफारा भी हो गया बे और बस आखिरी शेर पढ़ के मैं खत्म करना जरा सारे कह दो सुभान अल्लाह फरमाया मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया मैं एक किताब लिखी हुजूर दे मिलाद हुजूर दे इहदे ते देवबंदियां वहाबियां दी किताबां दे हवाला जा इहदा हदिया सिर्फ 30 रुपए वे और पढ़ोगे तो इंशाल्लाह इत्थे काफी जवाब दे लोगे और सो सादा है और मैं समझना कि सारे दोस्ता को होना चाहिए था चाहते करा जो पढ़े ला कैसा है ना इत नबी के पाक ने सलातु सलाम दे मिलाद 12 रात तो हुजूर का तशरीफ लेना मिलाद मनाना मिलाद फिरूज और बरकात अपना अकादरी मुहद्दिसीन के अमल भी तो दसी है जो बंदियां भाबिया की किताबा तो दसी है कि नबी पाक का मिलाद मनाने का सवाब के ना हुए अल्हम्दुलिल्लाह तो इस वास्ते किताब है और ये जरूर पढ़ो घर चे मैं समझना तुम्हारे इलाके च एडी शदीद जरूरत है और इस पढ़ोगे इंशाल्लाह जड़े पढ़े लिखे बंदे हो और इंशाल्लाह यकीनन अगर तुम्हारे को सवाल करेगा जिते यार पेरी रल जाए तो ना सवाल का काफी जवाब दे लोगे एक एक मिनट जिन्हें दोस्त किताब फटाफट ले जाओ ताकि उसके बाद इंशाल्लाह जलसा जाना है फिर कोई ऐलान एक 30 रुपए हदिया है और किताब इंशाल्लाह पढ़ोगे अपने कार मुतल्लिल किताब किताब का सफा किताब का हवाला मुसन्निफ का नाम मैं अलहमदुल बड़ी मिलता लिखी है और साबित किया कि नबी पाक दे मिलाद मनाने का सवाब के नाला बता गया और फिर मैं मुबारक पेश करना अलहमदुल्ला इन्हों दोस्तों जिन्हें अजीम शान प्यारा प्रोग्राम बनाया है ते 12 रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है 12 रबीउल अव्वल शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह धूमधाम नाल सरकार दा मिलाद मनाओ जश्न मिलाद जश्न कार कार सरकार दियां महफला करो कार कार मसीता च बहाना ते सजा दो गलियां च फैल दो और जाके ऐलान करो कि आका तो आदम अलैहि सलाम तशरीफ लाए ने हुजूर सरवर कौन है हाथ ये दरान अलैहि सलातो सलाम अल्लाह करीम तुहानु आना कबूल फरमाए तुहाडा बैठना कबूल फरमाए और ए किताबा जिन्हें दोस्तों ने है जरूर ये फटाफट ला दो ताकि चंद उसके हैं ने और इंशाल्लाह पढ़ोगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि सरकार दुआ में सलात मिलाद तक कितना को फायदा है इंशाल्लाह।